और अब अगली खबर ओरिया से है, जहां सदर बाजार में अज्ञात कारणों से कई दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। देखते ही देखते एक के बाद एक साथ तीन दुकानों में आग लगी। तस्वीर आप देख सकते हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया और इस अग्निकांड में लाखों का सामान जल करके राख हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है कहा जा रहा है। संभल से भी आग की बड़ी खबर है। संभल में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते जलकर के पूरी राख हो गई कार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। असमोली थाना क्षेत्र के मधन गांव के पास यह हादसा हुआ। बीच सड़क पर एक कार किस तरीके से धू-धू करके जल रही है आप देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर राख। बीच सड़क पर अचानक से कार में लगी आग। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और यह से अगली खबर है, जहां ट्रैफिक पुलिस और किन्नर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान कर रही थी। उसी बीच हाईवे पर जब किन्नर की कार को पुलिस ने रोका तो किन्नर ने हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ता देख यातायात प्रभारी ने समझा बुझाकर सीट बेल्ट लगाने को कहा और कार को बिना चालान के वहां से जाने दिया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा ही वीडियो बताया जा रहा है। अमेठी से खबर है, जायस नगर पालिका अध्यक्ष महेश सोनकर की दबंगई सामने आई है। पाइप डालने का विरोध करने पर मारपीट करने का इन पर आरोप है। युवक और महिला को अपने परिजनों के साथ पीटने का आरोप लगा। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। जायस कोतवाली क्षेत्र के कस्बे काईपुरा मामला, पाइप डालने का विरोध करने पर मारपीट का आरोप है। युवक और महिला को परिजनों के साथ पीटने का आरोप उन पर लगा है। अब युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच अपने आगे बढ़ा रही है। जायस नगर पालिका अध्यक्ष पर दबंगई का ये आरोप है। दबंगई उन्होंने की, युवक और महिला को पीटा, अपने परिजनों को बुला करके ये आरोप है। इसको लेकर अब शिकायत की गई है पुलिस में, पुलिस पड़ताल करेगी। हरदोई से बड़ी खबर, शराबी पति को महिला के पीटने का वीडियो सामने आया है। ननद की मदद से महिला ने लाठी डंडे से पति की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। कछोना कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। शराबी पति को पत्नी ने पीटा ननद के साथ मिल करके, आप देख सकते हैं। आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। शराब पी करके पति आया और अपनी ननद के साथ मिल करके पत्नी ने इस तरीके से पिटाई की। हरदोई के कचौनी कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। झांसी में एक युवक का डांसर्स के साथ तमंचा लहराते हुए डांस करने का वीडियो सामने आया है। पीली जैकेट में दिख रहा शख्स एक जन्मदिन पार्टी के दौरान तमंचा निकालकर लहराते हुए दिखाई दिया, आप देख सकते हैं। वहां पर मौजूद डांसर्स पर नोट उड़ाते हुए वो नाचता हुआ दिख रहा है, लेकिन असलहा लेकर डांस कर रही इस युवक का वीडियो वायरल होने के बाद अब झांसी के सकरार थाने की पुलिस ने आरोपी युवक पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।